व्हाट्सअप गाइस, हमारा आज हम फिर से आ गए हैं रेड शेडो की वीडियो देख के। तो दोस्तों आज हम वो टाइम आ गया फिर से हमारा फ्यूजन का। तो फ्यूजन की बात मैंने अभी तक नहीं करी थी क्योंकि ऐसी मेरा मन नहीं कर रहा था, और अब जो फ्यूजन आ गया मैं सोचा चलो भाई फ्यूजन के बारे में थोड़ी बात जो है कर लेते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, इन सब का नतीजा है हमारा फ्यूजन। जी हाँ, स्पाइडर का हमारा टूर्नामेंट, पहला टूर्नामेंट अभी तक फ्यूजन का हमारा आ गया है, और लकीली मुझे एक एंशिएंट शार्ड भी मिल गया। जी मैंने ऑलमोस्ट 90 रन करे हैं, 45 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो 2x रेड हमारी चल रही है। अगर आप इसका डबल करेंगे तो आपको देखेंगे कि 90 हमारे रन्स करें। तो ये मैंने बहुत ही सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और देख इसके साथ ही साथ वीडियो के अंदर आर्टिफैक्ट्स भी मैं बताऊंगा कैसे मैं सॉर्ट करता हूँ। तो आपको लगेगा इतने सारे भाई एक्सेसरीज हैं, पर ये सारी की सारी जो है ऑलमोस्ट मैं डिलीट ही कर दूंगा। तो जैसे कि ये है ओरिजिन ट्राइब की, मैं डिलीट करने वाला हूँ। 6 स्टार में देखता हूँ सब स्टेट्स के अंदर क्या HP है, और नीचे अटैक परसेंट है, इसको भी मैं डिलीट करने वाला हूँ। सारी चीज़ नहीं बताऊंगा मैं क्या रखने वाला क्या नहीं रखने वाला, पर आप समझ जाएंगे क्या। यूजुअली बैनर रखता हूँ जिसके अंदर स्पीड होती है, या एक्यूरेसी और स्पीड होती है, या वो 6 स्टार का होता है कुछ बहुत बढ़िया, तभी मैं रखता हूँ। तो ये भी हम इसको सेल करने वाले हैं, इस रिंग को फ्लैट स्टेट से ये डिलीट करने वाले। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, अगर आप चाहें तो ये सब देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं जो आपको गेम के अंदर रखने चाहिए। तो HP है पर इसके अंदर एक्यूरेसी है स्किन वॉकर्स की, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं करने वाला हूँ डिलीट, मेरे काम की अभी तक तो नहीं है। तो अभी तक कितने सारे आर्टिफैक्ट्स के अंदर हमें 2 ही मिले हैं। अटैक की हम जो देखते हैं एमुलेट हमें नहीं चाहिए, अटैक फ्लैट अटैक वाला, डिफेंस की राक एल्ड्रिंग आई थिंक मेरे पास और होंगी, डिफेंस का एमुलेट, HP कुछ खास आई थिंक ये मैं शायद रख सकता हूँ, ऑरिजिन ट्राइब का एमुलेट, रेजिस्टेंस ओके नहीं। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं, वो मैं जो हूँ उनको अब मैं यूज़ वैसे भी नहीं करता, और अनलेस कि कोई बहुत ही अच्छा ना हो तभी मैं रखता हूँ। तो ये 6 स्टार का मिल रहा है, अगर इसके अंदर स्पीड होती तो होता असली मज़ा। इसको मैं होपफुली जो हूँ अब सोच रहा हूँ सेल कर देता हूँ। 6 स्टार का आप देखेंगे मैंने लेजेंडरी भी सेल कर दिया, तो किस मेरा कितना ज़्यादा शार्प होगा मेरे को आर्टिफैक्ट्स को रखने वाली चीज़। डिफेंस कोई भी परसेंटेज नहीं है, अटैक परसेंटेज बेकार है, और भैया रेजिस्टेंस सेल अटैक, ड्वार्फ की रिंग अच्छी है, अगर इसमें अटैक के मुझे सबसेट्स मिल जाएंगे तो मैं इसको रख लूँगा। तो अभी के लिए रख लेते हैं अटैक की रिंग नो। ओ भाई गॉड, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है हमारी लग रहा है इस बार की। 40 HP प्लस डिफेंस परसेंट आई थिंक इसको नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे पास आई थिंक होंगी इस तरीके की काफ़ी सारी एक्सेसरीज। ओके, और HP की रिंग साथ में हाई एल्फ, मेरे पास आई थिंक एक आधी रिंग की कमी है, पर फिर भी इसको सेल कर देता। मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे या 6 स्टार मिले या काफ़ी अच्छा मिले। आप देख सकते हैं डीपन स्पॉन का मुझे बैनर मिल गया, सबसेट के अंदर स्पीड मिल गई है, एक रोल भी हमें स्पीड का मिल जाएगा अगर, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये हम रख लेते हैं, और HP डिफेंस परसेंट अगर मुझे इसके अंदर मिल गया तो मैं इसको डिलीट करूंगा। अभी के लिए इसको हम रख लेते हैं। एमुलेट हटाओ भाई, बहुत ही मुश्किल है इसको सर्च करना, काफ़ी ज़्यादा सरदर्दी का काम होता है मेरे लिए। तो अटैक एंड अटैक परसेंटेज, डीमन स्पॉन, चलो यार इसको अभी रख लेता हूँ, बाद में देखूँगा। बिना एक्यूरेसी का एमुलेट नो नहीं चाहिए हमें, अटैक रख लिया हमने। चलो एक वाली टॉप की रो तो हमारी हो गई, ये अच्छा हो सकता है अगर HP के हमें रोज मिल गए। ये काफ़ी अच्छा है, क्रिटिकल डैमेज 6 स्टार, हाथ में एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। HP और डिफेंस, माय गॉड आई थिंक मैं कर देता हूँ इसको सेल। डिफेंस 25, एक्यूरेसी कैम्प्स को रख सकते हैं शायद, चलिए अभी के लिए रख लेते हैं। बहुत अच्छा मिला है शैडो किंग का बैनर, शैडो किंग की फैक्शन भी आने वाली, तो काफ़ी अच्छे बैनर हमारे काम आएंगे गेम के अंदर। HP परसेंटेज, सब परसेंटेज और स्पीड आई थिंक ये टॉप टीयर बैनर्स के अंदर आता होगा। ओके, डिफेंस अटैक परसेंट नहीं चाहिए, डिफेंस की रिंग तो मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट अपना काम करने वाला हूँ। और HP डिफेंस नहीं चाहिए भाई, अटैक फ्लैट नहीं चाहिए, रिंग ऑक 5 स्टार, HP एक्यूरेसी नहीं चाहिए, HP
स्टेट्स या फाइव स्टार तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा कम ध्यान देता हूँ। हाई एल्फिंग एचपी परसेंटेज आई डोंट वांट, एक पे बेकार हेमलेट, एचपी अटैक परसेंटेज नहीं नहीं चाहिए, सब सेट्स में नहीं है। एचपी डिफेंस फाइव स्टार, स्टेल सेल अटैक अटैक परसेंटेज किसी ना मिल गया तो मैं शायद इसको रख सकता हूँ, तो इसको मैं भी के लिए रख रहा हूँ क्योंकि अटैक परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा गेम के अंदर। अंदर नहीं है, देखिए कितने सारे तो अभी मैं डिलीट भी कर चुका हूँ फिर भी अभी भर रखे हैं भाई। यहाँ तो दूसरी रो भी हमारे में कंप्लीट नहीं हुआ तो भाई बहुत ही ज़्यादा लंबी लगता वीडियो होने वाली है भाई साहब। चलो भाई एच पी के आई थिंक ये थोड़ा ठीक है, एच पी का सिक्स स्टार है। डिफेंस एमुलेट बहुत बढ़िया बात है। चलिए दो रो तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ये भी अच्छा है। और क्रिटिकल डैमेज एक्यूरेसी आई थिंक ये हम अभी के लिए जो है रख सकते हैं। क्रिटिकल डैमेज एक्यूरेसी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, जैसे एचपी क्रिटिकल डैमेज नहीं चाहिए, ये तो देख लिया ना भाई। चलो ये अटैक अटैक परसेंटेज नो आई डोंट वांट, डिफेंस और एचपी परसेंट ये शायद मैं रख सकता हूँ अगर मुझे सबसेट के अंदर एचपी मिल गया तो। तीन रोल करूँगा इसके मैं, पी डिस्टेंस और इन ड्राइव्स डिलीट करो, बहुत है मेरे पास इस तरीके के। सेल क्रिटिकल एम एक्यूरेसी परफेक्ट, डिफेंस और हमारा एचपी परसेंटेज रिंग नहीं, एचपी की रिंग नहीं, डिफेंस रिंग एचपी स्टेट्स नहीं, एचपी के साथ रिंग नहीं। स्पीड रेजिस्टेंस हाई एल्फ का काम आता है क्योंकि एलिसेंड्रा हायर आर्बिटर के अंदर लगा सकता हूँ मैं तो, इसको रख लेते हैं। डिफेंस की साथ में एचपी परसेंट डैशिंग ये भी हम रख सकते हैं। अब खाली बारी ये तीन रो बची हैं, काफ़ी फटाक से देखिए मैं आर्टिफैक्ट तो सिलेक्ट जो हूँ कर रहा हूँ। ओके डिफेंस एंड क्रिटिकल डैमेज एमलेट आई थिंक इसको रख सकता हूँ, रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ये तो मैंने देख लिया ना, तीन रो हो गई। चलो और एचपी परसेंटेज इसको हम रख लेते हैं, और अटैक का बैनर आई थिंक सिक्स स्टार नहीं है तो रखता मैं। नेक्स्ट एचपी नो आगे भाई ये रहा, और भैया डिफेंस एचपी रेजिस्टेंस डोंट डोंट वांट, अटैक का फिर से एमुलेट नहीं यार, एक के एमुलेट इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। क्रिटिकल एमी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, डिफेंस डिफेंस परसेंटेज नहीं चाहिए, बैनर रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, ए फाइव स्टार ओके सिक्स स्टार है ठीक है, इसको रख सकता हूँ मैं। बैनर रेजिस्टेंस ड्वॉफ का मेरे पास शायद नहीं है रेजिस्टेंस का, तो मैं अभी के लिए रख लेता हूँ, बाद में चेक कर लूँगा वरना फिर से डिलीट कर दूँगा इसको। एंड फिर से आ गए हमारा नंबर, एचपी स्पीड बहुत ही बढ़िया बात है। डिफेंस नो, एक और बैनर आया, अटैक स्पीड शायद इसको रख सकते हैं हम अभी के लिए, और डिफेंस एक्यूरेसी डिलीट करो यार, फाइव स्टार है हमारे पास, फाइव स्टार के काफ़ी सारे। एक्यूरेसी सिक्स स्टार, बारबेरियंस आई थिंक ये रख सकते हैं, अटैक चैम्पियन के काम आ सकता है, और डिफेंस एक्यूरेसी नहीं है, और लेट्स सी ये हमने रख लिया तो वो रेजिस्टेंस वो भी सिक्स स्टार, स्पीड डिफेंस परसेंटेज यार बहुत बढ़िया है, और डिफेंस एचपी रिमूव, डिफेंस एचपी परसेंट रख लो, और शेडो किंग का एक टैग के साथ आओ नहीं यार तो रख लेता हूँ क्योंकि बीच में एक्यूरेसी है भी, शेडो किंग के आर्टिफैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। लास्ट डिफेंस एक्यूरेसी क्रिटिकल डैमेज परफेक्ट और हमें मिला है, तो वही बहुत सारे में से हमने गिन के कम चुने हैं, काफ़ी मोस्टली जो हैं सिक्स स्टार के हैं। तो भैया लग रहा है कि मुझे ये वाली वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लग रहा था फ्यूजन की वीडियो के बारे फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, पर मैं फ्यूजन की दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तरह से ये वीडियो हमारी हो जाएगी आर्टिफैक्ट सॉर्ट करने की, कि मैं कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स रखता हूँ। आपने देख ही लिया आपके सामने, काफ़ी ज़्यादा शार्प नज़रों से अपने मैंने चूज़ करे अपनी मर्ज़ी से कि मुझे कौन कौन से आर्टिफैक्ट चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको ये आपके लिए ये वीडियो शायद नहीं है, तो थोड़ा सा हाई गेम में जब आप पहुँच जाते हैं तब आपको इसी तरीके से आर्टिफैक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, कोई भी आर्टिफैक्ट को आपको नहीं रखना होता। इस बारे में और भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप चाहें तो और भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।